नेता प्रतिपक्ष मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं ना कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ यहाँ बैठ गए। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी किया। आपका तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अच्छा जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी, और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे।